नमस्कार, मैं मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एज ए डिजिटल। आप हमें फेसबुक पर भी एज ए डिजिटल से फॉलो कर सकते हैं। इस समय मैं जनपद सोनभद्र में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे सोनभद्र का एक बहुत बड़ा साइन लगा हुआ है। ये रॉबर्टगंज जनपद मुख्यालय के जगह है। यहाँ से लोड़ी आप देख सकते हैं कि जिला अधिकारी कार्यालय से 0.5 किलोमीटर दूर पर है। और ये जनपद सोनभद्र का ये जो साइन बोर्ड है, ये इस तरह से इतना बड़ा साइन बोर्ड है कि यहाँ पे तमाम लोग आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं। आप इधर भी कैमरे से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस साइन बोर्ड को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं सोनभद्र के बारे में। कुछ लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, देख रहे हैं कि किस तरह का साइन बोर्ड लगा हुआ है, उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। भाई साहब, ये जो साइन बोर्ड लगा हुआ है इसके बारे में पहले बताएं। बहुत ही बेहतरीन मौसम लुक लग रहा है सर यहाँ पे। हमारे सोनभद्र में जो लगा हुआ है, हमारा वाराणसी में लगा हुआ था, इलाहाबाद में लगा, तो हमारा सोनभद्र में लग गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। ये जनपद सोनभद्र को एक खास पहचान दे रहा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब लग रहा है सोनभद्र बदलेगा। अच्छा, सोनभद्र बदलेगा। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानते हैं यहाँ के बारे में, खड़े हैं यहाँ पे। आइए भाई साहब से जानते हैं, कुछ कहना चाह रहे हूँ, क्या देख रहे हैं भाई साहब ये बताइए। सोनभद्र लिखा हुआ है, देख रहे हैं बदलाव है सोनभद्र में, बहुत अच्छा। तो जनपद सोनभद्र का ये यहाँ के जो नागरिक है उनमें बहुत सारा उत्साह बना हुआ है। ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, जो जनपद सोनभद्र की जो धरोहर है, जैसे आपका लोरिक है और आगोरी किला है, विजयगढ़ किला है, इसके बारे में क्या बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर पर्यटक स्थल बहुत अच्छा है, जो भी लोरिक है, इको पॉइंट है, और ये आपका क्या नाम है, फासिल्स पार्क हुआ, बहुत सारे ऐसे धरोहर है जो सोनभद्र की पहचान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं भाई साहब? मोटर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। शुभ नाम क्या है भैया? आशीष कुमार। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष।